कर लो भाई, हाँ कर लो कोई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की जो स्थितियां हैं वो लगातार बेकाबू होती जा रही हैं। आज बाड़मेर से बहुत दुखद खबर है। जिले का आज सबसे बड़ा जो मौत का आंकड़ा है उसकी आज पुष्टि हुई है। आज बाड़मेर में 11 लोगों की मौत हुई है। लगातार जिला प्रशासन, पुलिस, मीडिया, चिकित्सा विभाग लगातार लोगों से समझाइश कर रहा है आज की क्या स्थिति है और जिले में अब तक क्या स्थिति है। इस पूरे मामले को लेकर आज पहली बार हमारे साथ बाड़मेर के CMHO डॉक्टर बाबूलाल विश्नोई लाइव है, उनसे पूरी बात जानेंगे। उससे पहले तमाम लोग जो हैं मैं इस वक्त देख रहे हैं, मैं उन सभी से एक अपील करना चाहूँगा कि एक बार आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँचनी चाहिए कि अब हमें किस प्रकार से पूरी सावधानी अब बरतनी होगी। शुक्रिया CMHO साहब, आप हमारे साथ जुड़े। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आज की कोरोना की क्या रिपोर्ट है और क्या स्थिति है। आज टोटल 3234 सैंपलों की जांच हुई जिसमें से 237 केस पॉजिटिव हो गए और टोटल एक्टिव केस आज तारीख में 309 केस हो गए और 11 डेथ हुई। आज जो आठ ही पॉजिटिव थी टोटल 11 डेथ हुई। सर सिटी पॉजिटिव कितने लोगों की आज डेथ हुई? सिटी पॉजिटिव की 10, यानी आज 21 लोगों की जान चली गई। सर अब जिले में अस्पतालों की क्या स्थितियां हैं, बेड की, ऑक्सीजन की, ये सब क्या है? अब अभी तक तो आज तक तो व्यवस्था ठीक है। जितने भी हमारे पास बेड थे सब फुल हो चुके हैं। बालोतरा में भी बेड लगभग सब भी भर चुके हैं। जैसे जैसे गुजारे हैं हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन पूरा लगा हुआ है और कुछ आर्मी की भी हमारी मदद मिली है और एक हॉस्पिटल में बेड लगाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, वो भी अब लगभग भरना हो गया और एक प्राइवेट हॉस्पिटल एक बार किया उसमें भी मरीज लगे। इसलिए हमारी कोशिश कर रहे हैं। आज तक ऑक्सीजन की सप्लाई आज तक तो हमारे कोई दिक्कत आई प्रॉपर हो रही है। आगे भी प्रशासन पूरा व्यवस्था में लगा हुआ है लेकिन हमारे पास जितने संसाधन है सब हमारे फुल हो चुके हैं। सर अब इस चैन को रोकने के लिए अब जो ये स्थितियां बन चुकी है इसमें निश्चित रूप से जनता अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो ये रुकने का नाम नहीं। ये जनता के सहयोग से ही संभव है। लोगों को मोमेंट बिल्कुल कम करना चाहिए, बाहर बिना काम से आना नहीं चाहिए। ज्यादा जरूरी हो तो बिल्कुल सिंगल आदमी आओ, वो भी मास्क लगा के जाए और बाकी ये भीड़ भाड़ में आप करोगे, शादियां ऐसे करोगे फिर दिनों दिन स्थिति और विकट होगी और आगे फिर दिन मेडिकल तो एक लिमिट है, उस लिमिट के आगे तो फिर कोई समस्या सामना पड़ेगा। अभी जैसे सर ये स्थितियां लगातार जो बेकाबू होते रहे, कहीं ना कहीं ये शादियों की सीजन जो शादियों में लोग जा रहे हैं उसकी वजह से बिल्कुल बिल्कुल ये शादियों की वजह से ये सब हुआ। लोगों ने थोड़ी लापरवाही कर दी, इसलिए बिल्कुल इसको सेकेंड वेव को बिल्कुल हल्के में लिया। इसी वजह से अभी वर्तमान स्थिति बढ़ी है और स्थिति काफी भयावह है और स्थिति को देखते हुए लोगों को बिल्कुल आसान से हो जाना चाहिए। सर आज हम भी वैक्सीन भी आ रहे हैं, वैक्सीन भी लगा भी रहे हैं, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करना चाहिए। इसमें वैक्सीन से काफी लोगों को बचा हुआ है। जो हमारे डॉक्टर और दूसरे जिनके वैक्सीन लगी थी उनको बहुत काफी इसमें मदद मिली है और काफी अच्छा रिजल्ट है वैक्सीन का। सर एक चीज़ बताएं कि अभी जो कोरोना की स्थितियाँ बनी है, ऑक्सीजन नहीं है और आज आपने एक विशेष करके एक अपील भी की थी कि लोगों को ये प्रिकॉशन घर पे रखना चाहिए इस प्रकार का, सर वो क्या थी, लोगों किस प्रकार से अब सावधानी बरते हैं क्योंकि स्थितियाँ बहुत बेकाबू होती जा रही है। बिल्कुल लोगों को अब आजकल लोग भी अब समझदार हो गए, लोगों को सब पता है मेरे को क्या करना है लेकिन वो अनजान बने जान बूझ के अब मेरे को भीड़ में नहीं जाना है, मेरे को बाजार में भी भीड़ भाड़ एरिया से बचना है और मास्क लगा के बाहर निकला लेकिन तो भी लोग लापरवाही कर देते हैं। बाकी जो कोरोना की गाइडलाइन है सरकार ने जारी की है उसका पालन बिल्कुल करना चाहिए और ताकि कोरोना से बचा जा सके और बाहर को सतर्क रहना चाहिए नहीं तो हालत दिनों खराब हो जाएगा। थैंक यू।